गाइज, आज के वीडियो में हम दो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर बताएंगे जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रक्चर वन, गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे जैसे लानत है तुमने मुझ पर शक किया, या फिर धिक्कार है तुमने मुझ पर शक किया, लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। तो गाइज जब हमें बोलना होता है लानत है या फिर धिक्कार है, तो इसके लिए जिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है डेम्ड, जिसका मतलब होता है लानत है या फिर धिक्कार है। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे डेम्ड, उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है लानत है तुम पर, या फिर धिक्कार है तुम पर, डेम्ड ऑन यू, डेम्ड ऑन यू। अगला एग्जाम्पल लानत है तुमने मुझ पर शक किया, या धिक्कार है तुमने मुझ पर शक किया। तो इसकी इंग्लिश होगी डेम्ड यू डाउटेड मी, डेम्ड यू डाउटेड मी। अगला एग्जाम्पल लानत है अगर तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, तो इसकी इंग्लिश होगी डेम्ड इफ यू कांट बिकम अ गुड पर्सन, डेम्ड इफ यू कांट बिकम अ गुड पर्सन। अगला एग्जाम्पल लानत है ऐसी जिंदगी पर, डेम्ड ऑन दिस टाइप ऑफ लाइफ, डेम्ड ऑन दिस टाइप ऑफ लाइफ। अगला स्ट्रक्चर है गाइज आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस जरूर बोलते होंगे जैसे कसम से वो झूठ बोल रहा है, कसम से ये सच है, कसम से मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। तो गाइज जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है कसम से, या मैं कसम खाता हूँ, तो गाइज ऐसे हिंदी वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए जिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वह है आई स्वेयर। इसका मतलब होता है कसम से, या फिर कसम खाता हूँ, या मैं कसम खाता हूँ, तीनों का मतलब एक ही है। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे आई स्वेयर, उसके बाद अपना कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। आप कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है कसम से मैंने कुछ नहीं किया, या फिर मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया, या कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। तो इसकी इंग्लिश होगी आई स्वेयर आई डिडेंट डू एनीथिंग, आई स्वेयर आई डिडेंट डू एनीथिंग। अगला एग्जाम्पल कसम से वो झूठ बोल रहा है, आई स्वेयर ही इज टेलिंग अ लाई, आई स्वेयर ही इज टेलिंग अ लाई। अगला एग्जाम्पल कसम से ये सच है, आई स्वेयर इट्स ट्रू, आई स्वेयर इट्स ट्रू। अगला एग्जाम्पल कसम से मुझे नहीं पता, आई स्वेयर आई डोंट नो, आई स्वेयर आई डोंट नो। अगला एग्जाम्पल कसम से हम दोनों भाई हैं, आई स्वेयर वी बोथ आर ब्रदर्स, आई स्वेयर वी बोथ आर ब्रदर्स। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा एक कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।